आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, 5 साल लगभग पूरे होने को हैं, अप्रैल या मई कभी भी चुनाव हो सकते हैं। देश के हृदय प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 29 लोकसभा सीट में से 28 लोकसभा सीट है, छिंदवाड़ा सिर्फ कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 29 की 29 लोकसभा सीट उनके द्वारा जीती जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में अगर ग्वालियर लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर 2004 में रामसेवक सिंह कांग्रेस से सांसद रहे, उसके बाद यशोधरा राजे सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वर्तमान में विवेक सेजवलकर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लगभग 15 सालों की सीट है। हमारे साथ स्टूडियो में आज कांग्रेस के कांग्रेसी रविंद्र सिंह भदौरिया, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी, आपने दावेदारी पेश की है कांग्रेस की तरफ से ग्वालियर लोकसभा सीट से, आपका विजन क्या है ये जानना चाहेंगे। हमारा विजन ये है कि जो किसान है हमारे यहाँ, ज्यादातर किसान जो अन्नदाता है, भारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, और किसान के बेटे हमारी भारतीय सेना में जाकर के हमारे देश की सेवा करते हैं, और आज युवाओं के साथ एक सरकार की ओर से अग्निवीर योजना लागू की गई है, जो 4 साल के बाद उन अग्निवीर योजना के युवा जो जा रहे हैं भारतीय सेना में, उनको ना तो पेंशन की व्यवस्था होगी, ना ही उनके लिए 4 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद वो हमारा जवान क्या करेगा। तो एक अग्निवीर साथ जो छलावा हो रहा है, थोड़ा रोकेंगे, अग्निवीर योजना में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के कितने युवा खुद तक जा चुके हैं जी? क्योंकि आपको अग्निवीर योजना में अगर रायपुर का, अगर पटना का या बंबई का जो युवा गया है वो वोट देने नहीं आ रहा है, आपको आपका ध्यान चुनाव तक ग्वालियर पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कितने युवा हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जी। स्थानीय ग्वालियर में अगर आप देखेंगे तो समस्याओं के अंबार लगे हैं। अमूमन आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, एक परिपाटी चली है लगभग 1.5-2 दशकों से, कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सारी बातें हो जाती हैं, स्थानीय मामलों में कोई बोलने को तैयार। तो अग्निवीर योजना में ग्वालियर अंचल के आपके संसदीय क्षेत्र के कितने युवा इसमें लाभान्वित होने से बच रहे हैं, जो किसान पुत्र? हमारे युवा जा रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी भी है। हम आपसे प्रश्न, मेरा रविंद्र जी, हमारा प्रश्न है ग्वालियर अंचल के कितने फीसदी बच्चे हैं? हमारे युवा की बात कर रहे हैं सीमा जी आप जी? युवाओं की बात हो रही है कि कितने फीसदी युवा हैं जो आपके वोटर हैं? आपको अपने वोटर्स के हितों के संवर्धन के लिए चुना जाएगा वहां के मतदाताओं के द्वारा। आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के युवा नहीं चुनेंगे जी। जी, तो आपको जो बात हो वो ग्वालियर से संबंधित हो समझ में आती है। स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे अमन जी। तो हमारे ग्वालियर में पहली बात तो हमारे उद्योग ही नहीं लग पा रहे, लंबे दशक से जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से चुन के गए हैं आज तक, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा सदन में आज तक ग्वालियर के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं उठाई गई है। ना तो यहाँ कोई नए उद्योग स्थापित किए गए हैं जिससे युवाओं को यहाँ रोजगार स्थापित किए जा सके। तो पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ उद्योग ही नहीं आएंगे तो युवाओं का भला कैसे होगा, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ उद्योग स्थापित होना चाहिए। रविंद्र जी, ग्वालियर में कितने उद्योग हैं अभी?
लगभग नहीं, हमारे यहाँ उद्योग सबसे पहले जेसी मिल हुआ करता था, जिसको कितने बंद कर दिया गया है। लोग नहीं जानना चाह रहे कितने उद्योग हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हमारे ग्वालियर में, प्रॉपर ग्वालियर में कोई उद्योग नहीं है। हमारे भेंट जिला लगता है मालनपुर में, वहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं, और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो ग्वालियर से लगा हुआ क्षेत्र है बामोल में, वहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं, लेकिन ग्वालियर में कोई नया उद्योग स्थापित आज तक हुआ नहीं है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं जी? आप ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं? नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। ग्वालियर में अभी नया कोई उद्योग आया नहीं है, ना ही आवाज उठाई गई है ग्वालियर की आजादी के बाद भी अभी तक। जी जी, आप कह रहे हैं आजादी के बाद अभी तक ग्वालियर की बात नहीं कर रहा मैं। जब पहले पूर्व में उद्योग यहाँ स्थापित थे और बहुत बड़े बड़े उद्योग थे, लेकिन वो आज सबके सब बंद हो चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उदासीनता के चलते हुए आज कोई नया उद्योग यहाँ स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये मूल समस्या है हमारे ग्वालियर की। और आपकी बात भी जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। 1984 से 1998 तक जी, 1984 से 1998 लगभग 15 साल माधवराव सिंधिया वहां से कांग्रेस से सांसद रहे। उन्होंने प्रयास किए जी, प्रयास किए अथवा नहीं किए? प्रयास किए थे, लेकिन जो भी आज तो आवाज उठना चाहिए नए दौर में। जो नए दौर में उद्योग बंद हो रहे हैं, तो ग्वालियर की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारे श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी बने हैं, आज हमारे ग्वालियर के लोग उनका नाम तक नहीं बता पाते यहाँ से सांसद हमारे कौन है। आज तक उन्होंने ना तो जनता से संबंध स्थापित किए, ना ही सदन में उन्होंने ग्वालियर की कोई आवाज उठाई। तो ऐसे जनता का भला होने वाला नहीं है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए अब वो वोट नहीं करना चाहते। इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं और आगे इस ग्वालियर की लोकसभा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं का विकास करना चाहते हैं, महिलाओं को शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, इस बात को लेकर के आज ग्वालियर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर चुका है। आप ये बताइए, ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? हमारे ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं, सरकारी स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल वहाँ डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो निजी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, उनमें उनकी हिस्सेदारी रहती है, वहाँ उनको ज्यादा समय दिया जाता है, और सरकार सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको सरकारी नर्सिंग होम या सरकार प्राइवेट नर्सिंग होमों में उनको बिल्कुल डकैतों की तरह लूटा जाता है। इसलिए शिक्षा के मामले में ग्वालियर अंचल की क्या स्थिति है? शिक्षा जगत में भी यहाँ शिक्षा महंगी है, क्योंकि यहाँ प्राइवेटीकरण, निजीकरण ज्यादा है, और सरकारी कॉलेजों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। इस पर सरकार का बिल्कुल कतई ध्यान नहीं है, और ना ही यहाँ से जो हमारे लोकसभा में सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने ग्वालियर की ऐसी शिक्षा के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। परिवहन के साधनों की क्या स्थिति है जी? परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, जनता को एक जगह से दूसरे जगह। परिवहन हमारे यहाँ बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में ही रोडवेज बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है आज तक। और जो निजीकरण है, जो निजी बसें हैं, उनके द्वारा यातायात चालू हो पा रहा है संभव। तो ये सारा सब कुछ जो आप राज परिवहन का बंद होना बता रहे हैं, राज परिवहन बंद होने के लिए दोषी क्या भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग आज 20 साल हो चुके, और 5 साल और रहेगी, 25 साल तक रहेगी। 25 साल में ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं कर पाए, और झूठी घोषणाएं आज तक ग्वालियर को मिलती रही। प्रश्न हमारा स्पष्ट है, इससे स्पष्ट प्रश्न हम नहीं पूछ सकते जी। राज्य परिवहन को बंद करने में क्या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है? मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इनको 20 साल में चालू भी तो करना चाहिए। जो व्यवस्था बंद पड़ी हुई है, उसके बाद इन्हें चालू करने का इनके पास काफी समय मिल गया, आज तक ये चालू नहीं कर पा रहे। जबकि मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त का कार्यालय आपके ग्वालियर में है,
जी, उसके बाद परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं है। खैर, तो आपने रोजगार बताया, रोजगार नहीं है, आपने बताया स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपने बताया शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, आपने बताया परिवहन की व्यवस्था। जी, तब कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनको जब अभी आवाज उठाते हैं, ऐसी बात सदन में रखी जाती है, तो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी के सैकड़ों लोगों को सदन से निलंबित कर दिया जाता है और मनमाने तरीके से ये अपने कानून पास करा लेते, कानून बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं उसका लबोलवाब ये है कि हिटलर शाही चल रही। जी सर, हिटलर शाही अगर चल रही है तो आपके कांग्रेस पार्टी के सांसद अपनी बात सदन में रखने के बजाय वॉकआउट जैसे एक सरल तरीका क्यों अपनाते हैं, जबकि सदन में हर बात रिकॉर्डेड होती है। राज्यसभा में आप कुछ कहेंगे रिकॉर्डेड होगा, लोकसभा में आप कहेंगे रिकॉर्डेड होगा, विधानसभा में कहेंगे रिकॉर्डेड होगा, वहां कहने की बजाय बाहर जनता के बीच जाकर कहने का औचित्य बताते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ग्वालियर से हमारी जनता आशीर्वाद देगी और हमारी पार्टी हमें मौका देगी तो सदन में हम अपनी बात ग्वालियर की रखेंगे। हमारा ये है, आप रखेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। जी, आप मोबाइल अपना उपयोग करते हैं, उस मोबाइल में 3 महीने फ्री कॉलिंग के लिए कितने का रिचार्ज देते हैं? 500, 800, 1000 रुपए का? आपकी आवाज फिर एक बार जी, आप कितने का रिचार्ज कराते हैं? कम से कम 1000 रुपए का कराते हैं। तब आपके राहुल गांधी सांसद हैं, उन्हें अगर टेलीफोन की मद में 1000 रुपए मिल रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेता इसको त्यागते क्यों नहीं, इस बात को सदन में क्यों नहीं रखते कि जब आम आदमी, एक रिक्शे वाला, एक हमाल, एक बस का कंडक्टर 500 रुपए में 3 महीने अपना मोबाइल चला लेता है तो हमको सांसदों को इतना पैसा देने का औचित्य क्या है? जी जी, इसके बारे में बात ये है, जो मौजूदा सरकार है तो ये सरकार का कर्तव्य होता है पहले वो सदन में प्रस्ताव लेकर के आए, उस पर चर्चा होगी, उसका समर्थन किया जाएगा। जब सभी लोग त्यागेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी त्यागेगी। सदन में प्रस्ताव राहुल गांधी भी ला सकते हैं, सोनिया गांधी भी ला सकती हैं, आपके कांग्रेस के दीगर सांसद भी ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार प्रस्ताव लाए इसका इंतजार क्यों? क्योंकि जो पैसा जा रहा है वो आपका हमारा आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा, राजस्व संचित हो रहा, उसका पैसा जा रहा है। जी जी, इससे आपने आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ और ये सभी कभी छोड़ना चाहिए। क्या आपने कभी पार्टी फोरम में इस बात को उठाया कि सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं, क्या एक हमाल को वो सुविधाएं मिल पाती हैं? सांसदों की जो वेतन है टैक्स फ्री वेतन है। जी जी, मोबाइल और बाकी चीजों के लिए भी उन्हें पैसा मिलता है, जनता की जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे। इसके अलावा आपने कोई सांसद ऐसा देखा है जो 15 लाख से कम की गाड़ी में घूम रहा हो? जी जी, तो क्या विलासिता वाला जीवन जीने वाला ही जनप्रतिनिधि बनेगा? कब लाल बहादुर शास्त्री, जो आपकी पार्टी के थे, जिनके पास अपना एक कार थी, अपने घर में उनके कूलर भी नहीं था, उन्होंने कार भी लोन पे ली थी, तो इस विलासिता, आज आप किसानों की बात करते हैं जी, आज किसानों की बात चल रही है, किसानों की जब बात आती है और उस समय किसानों की बात रखने के लिए लोकसभा में कांग्रेस बहिर्गमन की जाती, जिस प्रकार से नए कृषि कानून लाए थे ये लोग,
उस समय हम चंबल अंचल की किसानों के खेतों की पवित्र मिट्टी को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे, उसमें मैं भी था। तो हम घरों में मिट्टी लेकर के गए थे, हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मिट्टी से स्पर्श करा दें कि इस मिट्टी की आपने कसम खाई थी, ये वही खेतों की मिट्टी है, आज किसानों की आपको चिंता नहीं है, आज जवानों की आपको चिंता नहीं है, इस मिट्टी की आप याद करें। तो इस मिट्टी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर लगता है और हमको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय करा दिया और हमें दिल्ली में कई बार गिरफ्तार करा लिया। तो इन्हें मिट्टी से स्पर्श करने में क्या दिक्कत है, उसका परीक्षण करा लेते, उसमें कोई ऐसा खतरनाक बम विस्फोटक तो सामग्री थी नहीं, तो ये करना चाहिए था। बात अच्छी तरीके से कर लेते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, जवानों के ऊपर अच्छी बातें कर लेते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन ना इन्हें किसानों की परवाह है ना इन्हें जवानों की परवाह है। और जो किसान है इस देश का, उसी का बेटा आज भारतीय सेना में है और जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जब हमारे भारतीय जवान जाग रहे हैं रात दिन मेहनत करके, तब कहीं हमें चैन की नींद आती है। तो आज हमारे देश में ऐसी विडंबना हो रही है, जब किसान ही परेशान है, जवान परेशान है, तो जय जवान जय किसान करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी बात सदन में रखना पड़ेगी और इनकी बात को मानना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे जी? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, बहुत कट शॉर्ट कर दी गई, तो जब चुनाव का समय है तब वे भारत को जोड़ने निकले हैं, तो इस बारे में आपका क्या विचार? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो हमारी माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही चलाई थी, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव देख के यात्रा चला रहे हैं। न्याय यात्रा तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो ये बात सुनने के लिए राजी नहीं है सदन में, इसलिए हमें सड़कों से कहना पड़ रहा है, लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, लोगों से करके उनकी बात को सुनना चाहते हैं। सदन में कौन सुनने को तैयार? आप सुनाने को, आरोप यह है कि आपकी पार्टी सुनाने को तैयार नहीं, बहिर्गमन कर जाती। नहीं, बहिर्गमन हमने कहा किया है, हमें तो निलंबन किया गया है, हमें निलंबित किया गया है सदन से, हमने बात नहीं किया। एक आज ही से ज्यादा सांसदों को आपने निलंबित कर दिया सदन से, तो ये बात हमारी सुनने के लिए राजी कहाँ है? आज ही कहीं हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि राहुल गांधी जी यात्रा को 4-5 दिन का विराम दिया है शायद जी। तो कहाँ गए हैं आपके सम्माननीय नेता राहुल गांधी? ये तो कुछ पर्सनल बातें भी हुआ करती हैं, लेकिन हम तो यात्रा हमारी सुचारू रूप से जारी रहेगी और यात्रा पूरी भी होगी, क्योंकि हमें पूरे भारत को जोड़ना है। 5 दिन के लिए जो नफरत आज देश में फैलाई जा रही है, इसमें हमें मोहब्बत से, प्रेम से इस देश को जोड़ना है, इस देश को चलाना है, इस देश की जनता की सेवा करना है, ना कि इस पर मालिकाना हक जताना है। यहाँ तो लोग मालिक ही बन जाते हैं सरकार में पहुंचने के बाद, तो ये जनता है, जनता यहाँ मालिक है, जनता ही आज परेशान है। अनेकों टैक्सों से इनको लूटा जाता है, पूंजीपतियों को उन्हें पैसा दिया जाता है, पूंजीपतियों की तिजोरी कैसे भरी जाए, ऐसी प्लानिंग की जाती है। तो इसके भारत जरूरी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी जो खबर आई थी, राहुल गांधी जी विदेश चले गए 5 दिन के लिए जी, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतने दिन चलनी है, तो उतने दिन देश या इस यात्रा को छोड़ना उचित नहीं होगा? नहीं, यात्रा छोड़ी नहीं है, इसको यात्रा को विराम दिया है। अगर कोई पर्सनल काम से कोई बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने यात्रा को छोड़ दिया। यही है उपहास बनने का, लोग उपहास उड़ाते हैं। पिछली बार भी यही कह रहे थे कि भारत अब कुछ दिन के लिए नहीं जुड़ पाएगा, मिस्त्री बाहर गया हुआ जी। ये बात सोशल मीडिया पर जमकर चल रही है। आप भी कहीं इधर कोई एजेंडे पे चलते हैं तो उस उतने समय के लिए आप गैर जरूरी या दीगर जरूरी कामों को विराम दे देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ज्यादा जरूरी भी कोई काम नहीं? ऐसा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ऐसा कहना है तो वो तो कहेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप
अंग्रेजी की एक कहावत है, वन शुड फिक्स हिज प्रायोरिटी। हर आदमी को अपनी प्राथमिकताएं तय करना चाहिए। राहुल गांधी जी के लिए प्राथमिकता भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। जब उनके लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछली बार भी थी, तो उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, उसके बीच में भी बाहर अगर जा रहे हैं तो वो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकता था। भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भी किया जा सकता था। नहीं, हमारी यात्रा सुचारू रूप से फिर जारी रहेगी, हमारे नेताजी आएंगे वापस, ऐसा नहीं है कि हमने यात्रा को छोड़ दिया है। प्रश्न और आपसे हम जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय स्तर की बात है जी। हर एक पार्टी का एक प्रवक्ता होता है जी। राहुल गांधी जी के कई बयान हमने देखे, उन बयान में उन्होंने कहा जिसे जाना हो जाए, जिसे रहना हो रहे जी। अगर आप ये बयान दें जी, तो ग्वालियर कांग्रेस कमेटी आपके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी अथवा नहीं जी? करेगी अथवा नहीं करेगी? तो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के बयान देने पर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? माननीय राहुल गांधी जी ने ऐसा उन लोगों के लिए कहा है जो अंदर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो विपक्ष में रह कर के अपने जमीर जिंदा रखना चाहते हैं, जो आजादी की लड़ाई में सहभागिता देना चाहते हैं, उनके लिए राहुल जी। मेरा कहना सिर्फ हम इतना भी नहीं कह सकते ऐसा, पार्टी जनता पार्टी को अंदर से सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में स्थान नहीं है। तो ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं दे पा रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे अच्छी तरह से इन लोगों से चिर परिचित हैं और वो जानते हैं, कई लोगों के ऐसे मन में विचार आते हैं जी। भदेरे जी, हमारा स्पष्ट कहना एक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात कहनी चाहिए। अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुपर अध्यक्ष कोई और है। जैसा जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो सुपर प्राइम मिनिस्टर किसी और को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों की जा रही है, किस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूर्ण रूप से निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है, उन पर कोई दबाव नहीं है, जो भी निर्णय उनका होगा वो अंतिम निर्णय है, ऐसा अन्य लोगों का मानना है, मुझे ऐसा कहीं नहीं। हमारा कहना बिल्कुल नहीं है कि वो दबाव में, हमारा कहना सिर्फ इतना है भदौरिया साहब कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, अभी तक अगर आप खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी बयान, वो बयानों को आप देखे तो 80% बयान राहुल गांधी जी के हैं, 20% खड़गे जी के हैं जी। पर वहीं आप किसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देख लीजिए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बयान 100% मिलेंगे, किसी अन्य नेता के ज्यादा नहीं मिलेंगे। नहीं ऐसा तो ऐसा कहीं हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, कहीं शेडो में तो नहीं चल रही है आपकी पार्टी? जी नहीं, जी नहीं। इसके अलावा एक के बाद एक जो भगदड़ मची हुई है, अशोक चौहान चले गए, ये चले गए, वो जाने वाले हैं, ये आने वाले हैं, इस सबके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे श्रीमान जी वजह ये है कि जिन लोगों के जमीर जिंदा है, वही लोग विपक्ष में रह करके जनता की सेवा कर पाते हैं, जो लोग चाटवार हैं, जो लोग मौकापस्त लोग हैं, जिन्हें मलाई चाटने की आदत है, वे लोग इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है और ये सेवा के भाव से राजनीति की जाती है, ना कि निजी स्वार्थ से। तो निजी स्वार्थ के लिए जो राजनीति की जाती है वो व्यापारिक होते हैं, हमें व्यापारिक नहीं बनना चाहिए, हमें सेवा का भाव लेकर के जनता की सेवा का मौका देना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। ये अभी आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर कुछ बवाल मचा हुआ है कि सांसद ने जाके उद्घाटन कर दिया, मंत्री को करना था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कैसे
ग्वालियर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन होना था जी, स्थानीय सांसद के द्वारा कर दिया गया, जबकि मंत्री को करना चाहिए था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था, पर वहां पर स्थानीय सांसद के द्वारा कर दिया गया, उसको लेके कुछ वहां पे विवाद चल रहा। ये तो उनका आपसी खींचतान है भारतीय जनता पार्टी का, जो आपसी खींचतान है वो तो सामने आएगा ही, इनपे अंदर भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए है। हाथी के दिखने वाले दांत अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों से आपकी आवाज फिर जी। तो और ग्वालियर को लेकर और आपकी क्या योजना है, ग्वालियर को लेकर और क्या योजनाएं हैं आपकी? लगता है संपर्क हमारा रविंद्र सिंह भदौरिया इनसे टूट गया है। रविंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और वे कांग्रेस से दावेदार हैं ग्वालियर लोकसभा सीट से। हम और लोकसभा सीट पर जाएंगे, लोकसभा सीट से जो भी दावेदार होंगे, चाहे वे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, उनसे हम चर्चा करने का प्रयास जरूर करेंगे, आपसे हम रूबरू कराएंगे इन सारी चीजों को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।